जी नाज़रीन, ये जो खूबसूरत सी पहाड़ी और खूबसूरत सी एफर्ट जो आप देख रहे हैं, ये भाइयों ने की है और बहुत ही ज़बरदस्त वेल एफर्ट है। और 12 रबी लेवल के हवाले से आई थिंक ये हमारे टोटल ट्रांसमिशन की जो है बेस्ट एफर्ट है और बेस्ट जो ये पहाड़ी है, बेस्ट जो ये सेलिब्रेशन है 12 रबी लेवल की इन भाइयों की तरफ से। इनसे बात करते हैं, मज़ीद तफ़सीला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? फरमान अहमद खान। फरमान अहमद खान, ये एफर्ट आपने अकेले की या दो साथ? भाई और कज़न ने मिल के की है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त क्रिएटिव, काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें मैंने देखी यहाँ पर। ये जो आइडियाज थे, ये पुराने मतलब हर साल आप करते हैं या इस साल एक्स्ट्रा किए हैं? नहीं, हर साल चेंज करते हैं और हमें हमारे दिल में लगन होती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए हम उसको बढ़ चढ़ के करते हैं। माशाल्लाह, हमारी सारी टीम की तरफ से बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन इसके लिए, बहुत आला। और रेहान रोनी साहब हमारे MR न्यूज़ के चेयरमैन हैं, ये अपनी मोहब्बत का इजहार एक प्राइज़ की सूरत में करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा जश्न ईद मिलादुन्नबी की, और अप्रिशिएट करूंगा। उसकी वजह से मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता हूं कि अल्लाह ताला आपको खुशियां दे और ऐसे तरक्कियां करते रहें। नाज़रीन, इस वक्त हम जनाब पार्क के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो है लिया वालों ने बहुत ही प्यारे अंदाज में 12 रबी अव्वल के हवाले से ये सजावट की है, ये पहाड़ियाँ बनाई हैं। और ये इन चीज़ों की सजावट जो है उनके दिली जज्बात को, उनकी मोहब्बत का जो है एक मुंह बोलता सबूत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से वो कितना खुश हैं। 1400 साल गुजरने के बाद भी उनके जो जज्बात हैं, उनके जो एहसास हैं, वो जो है जोश व खरोश उनका नज़र आ रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने ये एफर्ट किया उनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम सर? सैफुल्ला। सैफुल्ला साहब, ये एफर्ट आपने की, बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे चेयरमैन MR न्यूज़ के रेहान रोनी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब उनकी करम नवाजी है कि हम तो गरीब लोग हैं इस माहौल में और इस दुनिया में ये नहीं कर सकते, लेकिन ये सब उनकी करम नवाजी है। मेरी तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि जितना दिली जज्बा हो सके और इश्क हो सकता है प्यार मोहब्बत के साथ, ये अकीदत और एहराम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने की अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। मैं कहता हूँ कि जिसके दिल में रसूल पाक का इश्क है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, वो अमीर है और दुनिया के अमीरों से भी वो अमीर है। तो इसी वाले से मजीद हमारे भाई साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सरवर अली। सरवर साहब, क्या कहेंगे इस खास मौके पर, कोई खास पैगाम? माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतजाम है हमारी मार्केट का, इंशाल्लाह रल मिल के हम प्यार मोहब्बत से इंशाल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें। नाज़रीन, इस मार्केट में दाखिल होते वक्त जो खुशबूएं मुझे मैंने इंजॉय की हैं, वो इन दोस्तों की मोहब्बत, इनके दिली जज्बात और इनकी ये जो मेहनत है, इसकी वजह से ये माहौल जो है मुअत्तर हुआ हुआ है और आज की रात जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में मना रहे हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं 12 रबी अव्वल की मुबारकबाद पेश करूँगा और दूसरे नंबर पर मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने इतना एफर्ट किया है और अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ दे और तरक्कियाँ दे, और मेरी तरफ से ये आपको गिफ्ट है। ठीक है जी, थैंक यू। अल्लाह माशाल्लाह जी। नाज़रीन, आपने आज की हमारी ट्रांसमिशन देखी और ये तमाम तर जो है इन आशिकान मुस्तफ़ा के नाम आज की रात आज के प्राइजेज रेहान रोनी साहब की तरफ से।